Ul, 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 Hak, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam. बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है बाबा जी। बहुत परेशान हूँ, ये परेशानियाँ, ये गम, ये तो अब मेरी बर्दाश्त से बहुत बाहर हो गए हैं। अब तो लगता है इन परेशानियों और इन गमों से मौत ही मुझे छुटकारा दे सकती है। जाओ बेटा, एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाल के ले आओ। जी बाबा जी। ये बाबा जी, पियो उसको बेटा, इसका जायका कैसा है बेटा? बाबा जी, ये तो बहुत कड़वा है, बहुत खारा है ये। अब एक मुट्ठी नमक लेकर मेरे साथ इस झील तक चलो। जी बाबा जी। जाओ बेटा, अब यही नमक की मुट्ठी इस झील में डालो। जी बाबा जी। अब बेटा यहां से पानी पियो। बेटा कैसा लगा है पानी? बाबा जी, ये पानी तो मीठा है। आ जाओ मेरे साथ। बेटा, दुख इस नमक की तरह, जितना नमक गिलास में डाला था उतना ही नमक इस झील में डाला है, मगर गिलास का पानी खारा हो गया और झील को मुट्ठी भर नमक से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह हर इंसान अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक तकलीफ़ों का मज़ा महसूस करता है। जब तुम्हें कोई दुख मिले, खुद को बड़ा कर लो, ग्लास मत बने रहो बल्कि झील बन जाओ। अल्लाह ताला हर किसी पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। हमेशा यकीन रखना चाहिए कि जितने भी दुख आए वो हमारी बर्दाश्त से बढ़कर नहीं है। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का दामन थाम के रखना चाहिए। जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी परेशानियाँ ज़िंदगी में आए, सब का मुकाबला करना चाहिए। खुद को समंदर बना लो, दुखों और परेशानियों को अपने अंदर हल करना सीखो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हर मुसलमान के तकलीफ़ों, दुखों, परेशानियों को दूर फरमाए। हमारी इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। आमीन सो आमीन।